अस्सलाम वालेकुम। ओहो मुबशर, क्या हाल है, कैसे हो आप जनाब? हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं व्यूअर आप? मैं हूँ आपका अपना रौफ अरमान ठाकुर। हाँ, आज काफ़ी दोस्तों ने दिन में मैसेजेस किए व्हाट्सएप पे, इनबॉक्स में ले कि फरमान भाई आप आ नहीं रहे, हाँ लाइव प्रोग्राम बनाकर आप भेज देते हैं, लाइव नहीं आते, तो चलें आज दोस्तों की फरमाइश। एक दो क्यूरियस भी थी आज दोस्तों की कि पुरकशिश गुफ्तगु का राज क्या है। चलें, पहले मैं इस पर एक लेक्चर दे चुका हूँ आप दोस्तों को, आज फिर कोशिश करता हूँ दोबारा आप लोगों को समझाने की। आज उर्दू में बात करने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा, दूसरे हजरात जो हैं मेरे तमाम सुनने वाले चाहने वाले हैं जो हैं वो इसको जो है ना समझ सकें, देख सकें। क्योंकि जी सईद, सईद राजपूत भाई भी आ गए हैं हमारे पास, ठीक है। आए हाय, अपना क्या कहते हैं राना रमज़ान भाई भी आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद रमज़ान भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं, और यकीनन आवाज़ का तो आप लोग ही मुझे बता सकते हैं कि क्या इशू है क्या नहीं है। क्योंकि आवाज़ का जहाँ तक कॉन्सेप्ट है वो आप लोग ही मुझे बताएंगे कि कितना वोकल आ रहा है कितना नहीं आ रहा। तो हाय हाउ आर यू, तो एक पर्सन जो है मुझे यहाँ पर टेक्स्ट कर दे, वेलकम खुश आमदीद राना रमज़ान भाई, अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई राव फरमान अली ठाकुर साहिब द ग्रेट सर, वालेकुम अस्सलाम राना रमज़ान माई स्वीट जटू राजपूत फ्रॉम सांगर। बुजुर्गों की निशानी है अल्लाह पाक की मेहरबानी है, हाँ। तो दोस्तों ये बुज़ुर्गों की एक निशानी है, अल्लाह पाक की मेहरबानी है। आज हम बात जो करने जा रहे हैं, आज का हमारा जो मौसू है वो पुरकशिश गुफ्तगू का राज क्या है। तो एक दो दोस्तों ने मुझे आज व्हाट्सएप किया, फरमान भाई आप आएँ और आप हमें ये जो है इसके ऊपर बताएं, तो बात ज़रूर करूँगा आप दोस्तों के साथ। यकीनन आप लोग सुन रहे हैं, इसको देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ही हम हाज़िर होते रहते हैं। तो बाज़ अफराद की जो है गुफ्तगू या अंदाज़ इस कदर दिलकश होता है, इस कदर मीठा होता है कि हम लोग जो है घंटों जो है ना उसको सुनते रहते हैं। वेलकम जुनेद अली राजपूत आपको, तो घंटों तो कम उनकी बातें सुनते रहते हैं और सुन वो कभी हम बोर नहीं होते ना, तो बोरियत का कभी शिकार नहीं होते। तो उनकी गुफ्तगू में जो जादू होता है उस जादू के असर में हम खोए रहते हैं, तिलिस्म में खोए रहते हैं। उनकी बातें जो होती हैं वो कानों में रस घोलने वाली होती हैं, वो कानों में रस घोलती रहती हैं। तो इसकी वजह दोस्तों हरगिज़ ये नहीं होती कि वो जो लोग ज़्यादा बातें करते हैं या मीठी बातें करते हैं वो आपसे कहीं कोई बरतर मखलूक है, नहीं, वो भी आप जैसे इंसान होते हैं, आपके ही तबके से उठे हुए लोग होते हैं, आप में से ही होते हैं। लेकिन हमने सीखना है, आज मैं आपको 6 पॉइंट जो है 1 2 3 4 6 पॉइंट बताऊंगा कि आप कैसे अपनी गुफ्तगू को अपनी बात को पुरकशिश बना सकते हैं, क्योंकि वो ज़रूरी है। निशानी है,
हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, तो वो जो दोस्त होते हैं जो अच्छी बातें करने वाले होते हैं, मीठी बातें करने वाले होते हैं, वो भी हम में ऐसे ही होते हैं और हमारी तरह वो सादा से लोग होते हैं। आपने मोटिवेशनल स्पीचर्स को सुना होगा, तो ये इनको कुछ सरखाब के पर नहीं लगे होते सारे के सारे, ये आम तबके से ही होते हैं, आप में से ही होते हैं। बल्कि कुछ तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीचर हैं कि अगर आप स्पीकर उनको सुने तो उनके तलफ़ भी ठीक नहीं होते और उनके जनाब वाला एक्सेंट इवन जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी बात करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि हाउ टू टॉक, बात कैसे की जाती है, वो बात करने का फ़न जानते हैं, इसलिए उनकी बातें आप लोगों को जो है अच्छी लगती हैं। जितने भी दोस्त अभी देख रहे हैं मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं, सबको खुश आमदीद, वेलकम। साथ साथ BGM भी चलाते रहे। हाँ तो दोस्तों, आई लव माई पाकिस्तान, तो आप पाकिस्तानी और पाकिस्तान से बाहर भी हैं जो अपने अपने मुल्कों से प्यार करते हैं और वो जो सीखना चाहते हैं कि गुफ्तगू का आराज क्या है, तो हमारे इस प्रोग्राम्स के ट्रांसमिशन्स को आप लोग शेयर कर दें, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं शेयर नहीं करता हूँ। बहुत सारे जो लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो शेयर करते हैं और ख़ुद ही, तो मैं बस विदाउट टाइम बग़ैर बताए कभी कभार आ जाता हूँ। बस वो जब मुझे कोई दोस्त मैसेज कर देते हैं तो फिर मैं मैसेज पढ़ता हूँ, तो फिर मेरा दिल करता है कि हाँ अब किसी ने कहा है तो उनके लिए आना ज़रूरी है। चलें अब बग़ैर घूमे फिराए हम आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। हम करते हैं बात कि आप अच्छी बात करने वाला कैसे बन सकते हैं, मीठी बात करने वाला कैसे बन सकते हैं, गुड स्पीचर आप कैसे बन सकते हैं। कदीर खान फ्रॉम समा TV, कदीर खान भाई, ये स्पेशल प्रोग्राम मैं आपके लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उससे पहले भी मैंने एक दफ़ा प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था, लेकिन आपने क्योंकि बार बार मुझे कहा कि यार हम समा TV पर जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो रिकॉर्डिंग करते वक्त जो है हमें थोड़ा प्रॉब्लम पेश आती है, तो आप इस पर हमें थोड़ा सा बता दें कि करना क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं, मेरे भाई हैं जिनके साथ मैंने काम किया, जावेद भट्टू PTV से अभी काम कर रहे हैं, वो हैदर मुर्तज़ा है, वो हैं अपने चैनल 5 पे काम कर रहे हैं, इसके साथ हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं तारिक हफीज़ बज़मी लाहौर TV से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो हमारे जो दोस्त हैं वो काफ़ी आगे गए हैं काम कर रहे हैं, उन्हीं में से हमने सीखा और सीखते सिखाते हमें एक दूसरे को बताना चाहिए इल्म, क्योंकि शेयर करने से आगे बढ़ता है। तो पहला पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आपने जब भी बात का आगाज़ करना है तो सबसे पहली जो बात होती है जो आपने अपने माइंड के अंदर यहाँ पर जो रखनी है बात, वो होती है कि दूसरों में दिलचस्पी लेना, कि आपका जो व्यूअर्स है, आपका जो सुनने वाला है, उस तक आपको अप्रोच करना, उसमें आपने दिलचस्पी लेनी होती है। कि अच्छी गुफ्तगू करने का या बात करने का जो सबसे बेहतरीन जो पॉइंट है, बुनियादी नुक्ता, वो होता है दूसरों की जो है ज़ात में दिलचस्पी लेना। क्योंकि जितने भी लोग हैं इस दुनिया के अंदर, हर शख्स अपने बारे में सुनना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, और अपने बारे में हर किसी को सुनना अच्छा लगता है। जैसे मेरे अभी जुनेद अली राजपूत हैं, या राव कुर्बान अली भाई जो वॉच कर रहे हैं, राणा रमज़ान राजपूत वॉच कर रहे हैं इसमें, तो और भी दो तीन दोस्तों के नाम आ रहे हैं यहाँ पर, तो सॉरी मैं नाम नहीं ले पा रहा, आप लोग जो वॉच कर रहे हैं, तो आप लोगों का नाम लेने का मकसद ये है कि आप जब गुफ्तगू को अच्छा बनाना हो तो आपके अपने व्यूवर्स को, अपने लिसनर को साथ लेके चलना होता है। क्योंकि हर शख्स अपने बारे में बात करना जो है पसंद करता है, या अपने बारे में सुनना पसंद करता है, तो इसके लिए बोलने वाले को ज़्यादा मश्क या ज़्यादा एक्सरसाइज या ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी होगी, बल्कि आपने किसी भी शख्स में दिलचस्पी लीजिए और ख़ुद ही बोलना शुरू कर दीजिएगा। इसके बावजूद लोग यही समझेंगे कि आपका गुफ्तगू करने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, जबकि ऐसा नहीं है। लोगों को आपने देखना था कि लोगों को क्या पसंद है, जो लोगों को लोग क्या चाहते हैं, लोगों के बारे में आप जब कहीं जाएं लोगों के बारे में बात करें,
आप किसी भी जब जगह पे हैं, मसलन आप कराची में हैं तो आप हेलो कराची, लाहौर में है तो हेलो लाहौर, पाकपतन में है तो हेलो पाकपतन, बहावलनगर में है तो हेलो बहावलनगर, हेलो मुल्तान, तो जिस जगह हेलो रावलपिंडी, हेलो इस्लामाबाद, हेलो गुजर खान, तो ये हेलो गुजरा, तो आपने जिस जो आपकी ऑडियंस है सबसे पहले उनको आपने वो करना होता है कि आप उनको हेलो हाय करें ताकि वो आपकी तरफ मुतवज्जे हों। तो ये बहुत बड़ा फ़न नहीं होता, ये बस एक ट्रिक है कि जब भी आपने बात है, जी मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, हेलो मरी अतीक अहमद अब्बासी भाई, बहुत ही बहुत बड़े सीनियर दोस्त हैं, बड़े चाहने वाले, बड़े प्यार करने वाले हैं, सैयद काशिफ महमूद साहब, ये भी हमारे साथ जुड़ गए इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो ये भी हम मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने की दोस्तों को कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपने दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी लेना है। जैसे कि मसलन आप थोड़ा सा अगर आप स्टूडेंट लाइफ के अंदर मैं आपको ले जाऊँ तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, ठीक है? चलें मैं आपको बात करता हूँ, फ़र्ज किया कि आपकी आपने मैट्रिक कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो जो लोएस्ट लेवल है वो मैट्रिक है, तो मैट्रिक कर रहे हैं, मैट्रिक आपका जब कर रहे हैं तो उसके अंदर एक फेयरवेल पार्टी होती थी, जब जो क्लास जा रही होती थी उसको हम फेयरवेल पार्टी देते थे, ठीक है? आप लोग भी यकीनन देते आए होंगे। तो फेयरवेल हमने पार्टी दी अपने जनाब जो है किसी भी दोस्त को। अब आप चाहे फेयरवेल लेने वालों में से हैं, चाहे फेयरवेल देने वालों में से हैं, आप किसी में से भी हैं, तो ग्रुप फोटो बनते हैं, देने वाले ग्रुप का भी बनता है और लेने वाले ग्रुप का भी बनता है। जी थैंक यू काशिफ, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ग्रुप फोटो दोनों का बनता है, ठीक है? अब होता क्या है कि जैसे ही वो पिक्चर्स बन के आती हैं, ग्रुप फोटो वगैरह आती हैं, तो आपने अब अपनी क्लास के अंदर हैं, आप अपने दोस्तों के अंदर हैं, शादी का ग्रुप फोटो भी हो सकता है, आपकी एंगेजमेंट का ग्रुप फोटो भी हो सकता है, किसी टूर्नामेंट का ग्रुप फोटो भी हो सकता है। तो ओह काशिफ आई एम वर्क एट सुपर एफ एम 90, दैट्स गुड, सुपर एफ एम 90 मेरा होम चैनल है और मैंने सुपर एफ एम 90 से बहुत सीखा है, बहुत काम किया है। जब सुपर एफ एम छोटा सा था ना, हम भी छोटे से थे उस वक्त, तो इब्तदाई जो पायनियर्स आप कह लें कि जिन्होंने सुपर एफ एम 90 को खड़ा किया, उन लोगों में से बंदाए नाचीस भी है, वो हमारा जो बैच था सगीर तबस्सुम, और ये सारे बहुत सारे दोस्त थे, तो हमने काम किया। सगीर भाई तो आज भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, और मेरे अदनान शाह मुल्तान, अदनान महीउद्दीन, वो भी मुल्तान चले गए, तो काफ़ी अच्छी जगह पे चले गए। अभी हमारे साथ बहुत ही प्यारे दोस्त हैं राना अकबर चौहान भाई, ये भी हमारे साथ बड़े अच्छे लिखने लिखाने वाले, बोलने वाले हैं, इनके लिए तो बड़ा इन्फॉर्मेटिव आज का जो हमारा लेक्चर है। तो और राव दिलावर साहब भी आ गए हैं हमारे साथ, जुड़े हैं, आपको भी वेलकम, खुश आमदीद कहता हूँ। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था, तो आपने सबसे पहले जो लेनी है दिलचस्पी दूसरों की ज़ात में, जहाँ भी आप जाएँ तो हेलो कराची, हेलो बहावलनगर, हेलो मुल्तान, राव खालिद, हेलो कराची, राव खालिद भी आ गए हैं, मेरे बहुत ही प्यारे बचपन के दोस्त हैं, माई कज़न, और बड़ा कुछ सीखा मैंने खालिद भाई से भी बचपन में, ये हमें गाइड किया करते थे, हमारे साथ होते थे, हमारे सीनियर थे। तो लव यू ब्रदर, लव यू टू अतीक अहमद अब्बासी भाई। तो खालिद भाई आपको वेलकम। तो बात मैं कर रहा था, तो जिस इलाके में जहाँ भी जाते हैं सबसे पहले तो उस इलाके के लोगों को मुखातिब करते हैं, वहाँ के उस सिटी को, शहर को, उसको ऑनर देते हैं, तो लोग आपकी तरफ दिलचस्पी लेते हैं, दूसरों में दिलचस्पी ले रहे होते हैं। फिर मैं बात करने जा रहा था कि वो मैं समझाने के लिए कि आपका ग्रुप पिक्चर वगैरह कोई आपकी आई है किसी भी जगह की, तो हमेशा कभी भी जब आप ग्रुप पिक्चर लेते हैं तो सबसे पहली जो आपकी नज़र है ना, वो आपकी अपनी तस्वीर पर जाती है। जो बंदा भी देख रहा होगा, अतीक अहमद भाई देख रहे हैं तो अतीक अहमद भाई की नज़र अपनी पिक्चर पर जाएगी, अगर देख रहे हैं सैयद काशिफ साहब तो काशिफ साहब की पिक्चर भी जो है वो अपनी पिक्चर के ऊपर उनकी जो है फर्स्ट साइट जाएगी नज़र की। अकबर भाई देख रहे हैं तो वो भी, राना रमज़ान साहब देख रहे हैं तो वो भी, यानी कोई भी दोस्त अगर वो अपनी तस्वीर, फ़ानी राव आ गए, वेलकम फ़ानी राव भाई, अगर फ़ानी राव भाई भी अपनी तस्वीर देख रहे हैं तो वो ग्रुप के अंदर अपनी तस्वीर के ऊपर वो पिक्चर जाएगी, यानी जो बंदा भी वो ग्रुप फोटो देख रहा होगा, हर बंदा अपनी अपनी तस्वीर को देख रहा होता है। अब आपने वहाँ से गुफ्तगू कैसे करनी है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मेरी तस्वीर ऐसी आई है, ये आई है, या बहुत कुछ लोग होते हैं ऐसे ही बस, यार मेरी तस्वीर ठीक नहीं आई ना, ऐसे ही आ गई है, जबकि ये अच्छी गुफ्तगू करने वाला नहीं होता, उसको इरिटेटिंग पर्सनैलिटी कंसिडर किया जाता है वो आपकी सोसाइटी के अंदर, वो कहते हैं यार ये देखें कैसा आदमी है, लोग उसको अच्छा नहीं समझते। तो
अच्छा कब होंगे जब आपने तस्वीर देखी, तो आपने तस्वीर देखी तो आपने देखना है कि आपके ग्रुप्स के अंदर कौन कौन से दोस्त आपके सामने बैठे हैं। तो आप कहेंगे यार देखें क्या हमारी फेयरवेल पार्टी हुई है, इसके अंदर जनाब जो अतीक अब्बासी भाई हैं बहुत खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह, क्या जनाब इनके खूबसूरत सी दाढ़ी है, क्या इन्होंने जनाब ये पटवारी ड्रेस पहना हुआ है अतीक भाई ने, क्या अतीक भाई की नहीं अंगूठियाँ नंगीने पहने हुए। तो ये हम बात करते हैं अकबर भाई के, जैसे क्या शानदार आपने अकबर भाई की पग बड़ी खूबसूरत लग रही है जनाब, फ़ानी भाई की जो है ये दाढ़ी बहुत प्यारी लग रही है, सैयद काशिफ साहब कितने खूबसूरत जनाब माइक हाथ में पकड़ा हुआ है, ये कितने अच्छे लग रहे हैं। तो देखिए अब मैं कोई बात नहीं कर रहा, बात सिर्फ उस पिक्चर के अंदर सब कुछ है वही हम करते जा रहे हैं, तो लोग सुनते हैं क्योंकि लोगों की बात कर रहे हैं ना, जब आप लोगों की बात करते हैं तो लोग सुनते हैं, तो यही गुफ्तगू करने का जो सबसे अच्छा राज होता है। अपनी मदर लैंग्वेज भी लोग पसंद करते हैं। जी जी बिल्कुल काशिफ भाई बिल्कुल मदर लैंग्वेज पसंद करते हैं, मैंने अपनी जो माई मदर लैंग्वेज है रांगड़ी जिसको हरियाणवी कहते हैं, हरियाणवी मैंने काम किया, पंजाबी में काम किया, सराइकी में मैंने वर्क किया हुआ है, उर्दू में मैंने वर्क किया, मंजिलें अपनी जगह है, रात को अपनी जगह, रात को मैं मंजिल प्रोग्राम भी करता रहा हूँ, इस्लामिक प्रोग्राम भी गुलहाय अकीदत भी किया, तो हर तरह के प्रोग्राम हमने की है कोशिश की है। तो लेकिन लोग ज़्यादा मदर लैंग्वेज के अंदर पसंद करते हैं, तो बहरहाल उर्दू भी हमारी मदर लैंग्वेज है क्योंकि पाकिस्तान की ज़ुबान है, पाकिस्तान जनाब राव शाहिद भाई भी आ गए हैं, तो वेलकम राव शाहिद भाई जी। बिल्कुल मदर लैंग्वेज को लोग पसंद करते हैं और पाकिस्तान क्योंकि हमारी कंट्री है हमारी मदर लैंड है, तो पाकिस्तान की जो ज़ुबान है वो उर्दू है और पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, तो हम अपने कंट्री की मदर लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू। और बाकी गुलदस्ते हैं सारी ज़ुबानें बहुत अच्छी ज़ुबान है और हर किसी को प्यार करना चाहिए, लेकिन उर्दू को सबसे ज़्यादा प्यार करना चाहिए क्योंकि ये आपकी नेशनल लैंग्वेज है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों आप, ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, अभी कुछ नेट लगता है बेहतर आ गया है तो कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ जो है सिलसिले को आगे बढ़ाऊँ। और जो है अब मैं अपना जो है वो लेक्चर है वो आप लोगों को जो है कोशिश करता हूँ कि समेटूँ और उसको समझाऊँ कि पुरकशिश जो गुफ्तगु है उसका राज क्या है। तो 6 पॉइंट अब जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश करता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ। नंबर एक जो है सबसे पहले जो आपने क्या करना होता है कि दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी लेना होता है, तो जहाँ पे भी जाएं, जिस सिटी में भी जाएं, जिस जगह पर जाएं, सबसे पहले आपने उनको कहना होता है हेलो कराची, हेलो लाहौर, हेलो पेशावर, हेलो कोलचा, हेलो मुल्तान। तो जहाँ भी आप हेलो बहावल नगर, हेलो रावलपिंडी, इस्लामाबाद, तो वहाँ के लोगों को आप इन टच में लेना होता है। तो सबसे पहली बात ये कि उसमें दिलचस्पी नहीं होती है, दूसरी बात ये कि वो जो ऑडियंस है उनके बारे में आप बात करते हैं, आप जिस सिटी में जाएं उस सिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसकी हिस्ट्री आपको पता होना चाहिए, वहाँ की कम्यूनिटी कैसी है वो पता होना चाहिए। तो जिन लोगों में आप प्रोग्राम करने के लिए जा रहे हैं उन लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। मेरे बहुत ही प्यारे से दोस्त हैं सफदर, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुशामदीद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे हम ख्याल भी हैं और या मैं इनका हम ख्याल हूँ, हम मोहब्बत करते हैं सादात से, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। तो कैसे हैं आप सफर भाई? तो बात में असल में जल्दी दूसरों की ज़ात में दोस्तों फिर आप लोग कोशिश कीजिए कि जल्द दिलचस्पी ले लीजिए, जैसे कि सफर भाई हैं, तो जब भी गुफ्तगू आप करने लगें तो आप जब दूसरों में बात करते हैं तो बात करना बहुत आसान होती है क्योंकि दूसरा बंदा भी अपनी बात करना, आप कहें कि सफर भाई माशाल्लाह यू आर लुकिंग गुड, आपकी ड्रेसिंग, आपके जनाब शूज अपने अच्छे पहने हुए हैं, आपने जनाब वाला टाई कलर की लगाई हुई है, आपने जनाब जो है आप बात बहुत अच्छी करते हैं और माशाल्लाह आपका एटीट्यूड बड़ा अच्छा है, आपका अखलाक अच्छा है, तो आप हर दिल अजीज शख्सियत हैं। जब आप दूसरों के बारे में बात करते हैं तो आपका जो व्यूअर से जो आपका लिसनर है वो आपको सुनना पसंद करता है, तो ये कोशिश कीजिएगा। तो मैं एग्जांपल्स भी देने की कोशिश कर रहा था कि आपको पहले मैं बता भी रहा था ये कि कनेक्शन फेल्ड हो गया है सुंदर भाई का, कोई बात नहीं। तो वो मैं ये कह रहा था कि कोई ग्रुप फोटो है आपका, कोई फेयरवेल है या कोई आपकी वैसे कोई पार्टी शार्टी हुई है, तो
वहाँ पे भी जब आप बात करते हैं तो आप कहेंगे फलां दोस्त अच्छा लग रहा है, फलां दोस्त अतिक भाई अच्छे लग रहे हैं, सदर भाई अच्छे लग रहे हैं, आज रमजान साहब अच्छे लग रहे हैं। रमजान साहब के दिन आप सिंधी लिबास बड़ा खूबसूरत है, सफर साहब का जरा पंजाबी जिना भी बोलो खुस्सा बड़ा जबरदस्त है। तो ये सारी की सारी बातें जो है आप जो है कल्चरल्स जो होती हैं वो जब अपन पे बात करते हैं तो हर बंदा आपकी बात सुनने के लिए वो एग्री होता है और वो बात करता रहता है, चाहे आप घंटों बात करते रहते हैं लोग आपकी बात वो सुनते रहेंगे। तो हमेशा जब भी आप बात करें तो दूसरों की जो दिलचस्पी है उसको मद्देनजर रखते हुए दोस्त राणा वकास असलम जी माशाल्लाह हरियाणवी जी थैंक यू वालेकुम अस्सलाम वेलकम खुश आमदीद। वकास भाई आपके लिए बड़ा अहम लेक्चर है आज का ये, क्योंकि आपको भी सारा दिन यही काम होता है कि आप बड़े अच्छे सहाफ़ी हैं और यूथ हैं, आप बरादरी में भी बड़े एक्टिव हैं और सहाफत भी निडर सहाफत हैं साफी हैं और खुली जनाब जो है हक के लिए काम करते रहते हैं। आपको खुश आमदीद। तो आज का भी मैं लेक्चर भी दे रहा हूँ, ये भी कबीर भाई हमारे समा टी वी से हैं, समा को रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने मुझे कहा था कि थोड़ा सा बताएं कि सर बात कैसे करें हम किस किस तरीके से जाके जो है अपना जो स्पीच का हमें बात का तो कहा जाता है या हम कैसे बात करें कैसे स्पीच करें तो हमारे लिए वो प्रॉब्लम प्रेजिस्ट होती है उसको करने में। तो आप जो है अक्सर ही जनाबे वाला जो है वो करते रहते हैं इसके ऊपर काम। तो जी वकास भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं। नरेश जी आ गए, आप इंडिया से हमारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे साथी हैं, बहुत अच्छा दिल लगते हैं और प्यार मोहब्बत अमन की फ़ज़ा के ऊपर इनका जोर होता है, हम भी इनको खुश आमदीद वेलकम कहते हैं हमारे इस प्रोग्राम में। तो दूसरी बात जो आपने नोट करनी है, पहली जो बात है वो आपको दूसरों में दिलचस्पी लेना, जिस जगह जा रहे हैं उस जगह उस इलाके के बारे में आपको पता हो, लोगों के बारे में पता हो, कंट्री के बारे में पता हो, तो ये पहला पॉइंट होना चाहिए कि आपने सबसे पहले आगाज़ करते हैं वार्म अप अपने करना होता है। तो दूसरी बात है दोस्तों खुद एतमादी जो है ना वो सबसे बड़ा टूल होता है, जो दूसरा आपका दिलचस्पी के साथ साथ आपको जो है ना खुद एतमादी जो है ये आपके अंदर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जब भी आप बात करें तो एतमाद के साथ बात करें, अपने मुखातिब की आंखों में आंखें डालकर बात करें और कभी भी नज़रें झुकाकर बात नहीं कीजिएगा, और ऐसे भी नहीं करना कि आप बात कर रहे हैं कभी इधर देख रहे हैं कभी उधर देखते हैं, तो इससे भी बड़ा बैड इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी खुद एतमादी जो है वो लूज हो जाती है। तो कभी भी आपने जब भी बात करनी है कैमरे पर बात कर रहे हैं बिल्कुल सीधा फेस बात करें, ऑडियंस से बात कर रहे हैं बिल्कुल ऑडियंस की आंखों में आंखें डालकर बात करें, जहाँ पर भी जा रहे हैं वो आंखों में आंखें डालकर बात करें, तो इससे आपकी गुफ्तगु जो है वो कभी भी दोस्तों जो है मुतासर नहीं होती, कभी भी शर्माएं नहीं झिझकें नहीं और ऐसा से कमतरी का तो बिल्कुल भी शिकार ना हो कि यार मैंने कुछ गलत बोल दिया, तो क्या अब कुछ भी नहीं होता भाई, गलत बोलोगे तो सही बोलना आएगा ना तो बोलते जाओ बस, अब बोलो लेकिन कोशिश करो कि अच्छा बोलने की कोशिश करो, कम बोलो, अगर बिला वजह ज़्यादा बोलने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो टू दी पॉइंट आपने खुद एतमादी के साथ दूसरों के अंदर दिलचस्पी लेते हुए है बात करनी, तो कभी भी ऐसे अंदाज में आपको बात नहीं करनी चाहिए कि आप जब बात करें तो ऐसा लग रहा हो कि आपने किसी का कर्ज देना है, तो कभी भी ऐसे उलझा के बात नहीं करती, सीधी सीधी टू दी पॉइंट बात किया करते हैं, मुद्दे पे बात करते हैं और बात के अंदर अपना जो है वज़न पैदा करते हैं, और वज़न पैदा उसी वक्त होता है जब आप का बॉडी लैंग्वेज जो है आपके जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपका क्लियर जो है आपके ऑडियंस को जा रहा हो, आपका खुद एतमादी के साथ जो है ना आप बात कर रहे होते हैं, तो उसकी वजह से लोग जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है पहचानेंगे। हाँ तो नेक्स्ट जो पॉइंट है अब दूसरों की ज़ात में दिलचस्पी लेना खुद एतमादी के साथ है, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों आप के लिए बता रहा हूँ वो है अंदाज़ बयां आपका ना, बोलने का जो अंदाज है, तो हमेशा कोशिश करें कि कभी भी जो है ना फिलासफर ना बने, क्योंकि कहीं भी आपने स्पीच करनी है कहीं भी आपने बात करनी है लेक्चर देना है, तो कभी भी फिलासफर ना बने, मुश्किल अल्फाज कभी भी ना सुने, दकियानुसी जो दकीक अल्फाज हैं वो आप ना लें और नामानुस अल्फाज भी ना लें, कि जिस ऑडियंस में आप बात करने जा रहे हैं उसके लेवल का भी आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर लोग किस लेवल के हैं, वहाँ पर जो कम्युनिटी है जिसको आप रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं
वो कौन से शब्दों से वाकिफ हैं, आपको अंदाज़ा होना चाहिए इसके बारे में ना। तो गुफ्तगू हमेशा आसान अल्फाज में करेंगे तो अंदाजे में आपका उतना ही अच्छा होगा, जितनी आप अपने ख्यालात को वाज़े तौर पर जनाब आप कोशिश करें, मिसालें दे देकर कोशिश करें, जब भी कोई बात आप समझाने के लिए जाएं तो आपको ये अच्छे अंदाज बयां के लिए आप रेडियो टीवी के न्यूज़कास्टर और अनाउंसर के अल्फाज, उनके तार चढ़ाव को भी गौर से देखा करें। अभी मैंने कबीर भाई को एक मोटिवेशनल स्पीच का लिंक भेजा है, मैंने कहा आप इसको देखें वो किस अंदाज से बंदा बात कर रहा है, कहाँ पे आपने आपको अल्फाज के चुनाव करना है, किस जगह पे अल्फाज दूर करीब, तो अल्फाज की अदायगी का आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए आपको एक अच्छा जो है सुनने वाला होता है, अच्छे अच्छे न्यूज़कास्टर, अच्छे म्यूजिशियंस को आप सुने, अच्छे गजल गाने वालों को आप सुने, तो आपको तलफ़ का पता चल जाएगा आपके अल्फाज का तार चढ़ाव कहा होता है। अनाउंसर्स को सुने, टी वी के जितने भी जो शो होते हैं पुराने, तारिक अजीज साहब को सुने आप, मोइन अख्तर को सुने, ठीक है, उमर शरीफ साहब को सुने, शकील सदीकी साहब को सुने, लेकिन हाथ के गंद को ना सुने, क्योंकि हाथ के गंद को सुनेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि आज स्टेज पे जो है ना हुलड़बाजी है, आज स्टेज पे आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। तो आज का स्टेज माजरत के साथ हमारे पाकिस्तानी इंडियन जितने भी कलाकार हैं, मैं उनसे माजरत कहता हूँ। अभी एक बड़ा हिट है शर्मा जी का शो है, लेकिन वहाँ पर भी आप कुछ सीख नहीं सकते, क्योंकि सीखने को कुछ भी नहीं है वहाँ पर। मुशरफ जी आए हैं, वेलकम, राव शाह साहब आए हैं, वेलकम, अनूप श्री अनूप साहब हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम राना असलम भाई। हाँ, अगर आपने सीखना है जैसे हमारे अनूप भाई हमारे साथ जुड़े हैं, इनकी जो फिल्म है पुरानी उनको आप उनको सीखें, या इनके चैनल्स पे आप जाएं, अनूप लाठर के नाम से इनका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर आप जाएँ तो आपको सीखने का मौका मिलेगा। और बड़े अच्छे अच्छे बोलने वाले लोगों को अनूप भाई बुलाते रहते हैं, और बात करने वाले, बात के फन को जानने वाले लोगों को, तो जो बड़े बड़े लोग हैं आप उनको ज़रूर जनाब सुने, तो उनको जब आप सुनेंगे तो सुनने के बाद आप की बात जो है अंदाजे भी आपका खुद ही अच्छा हो जाएगा। मौके की मुनासिबत से शेयर भी कह लेना चाहिए अंदाजे बयां के अंदर, और मौके की मुनासिबत से आपको कोई अगर जॉब या लतीफ़ा है और महजब है दायरे के अंदर रहते हुए वो भी आपको अपनी स्पीच अंदर कह लेना चाहिए, क्योंकि उससे एक ये होता है कि लोगों के अंदर बोरियत नहीं होती, और नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है ही मुस्कुराहट है। तो आपने जो एक अच्छा बात करने वाला बनना है तो उसमें ये होता है कि आपका जब हम बात करें तो बात में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट का होना भी ज़रूरी है, ऐसे भी नहीं बात करना ये अंदाज भी नहीं कि मैं आपको ये कह रहा हूँ वो कह रहा हूँ, ऐसे नहीं, बिल्कुल जनाब कैसे हैं, क्या हाल हैं, कैसे हैं, तो मुस्कुराहट आपके चेहरे पर होना चाहिए। उससे ये होता है कि आपका जो है मुस्कुराहट, वैसे भी सब कह जा रही है नेकी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि चेहरों को मुस्कुराहट देते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, अपने भाइयों को देखें। तो मुस्कुराहट वैसे भी आपको जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट नंबर 4 है मुस्कुराहट, तो इसके ऊपर आपका खर्च नहीं आता कुछ भी, बल्कि लोगों को दिल जुड़ते हैं, लोग आपके साथ जनाब जाना तो बेशबहाज के फ़ायदे हैं। जब आप स्माइल, किसी को स्माइल पास करते हैं आपका दिल खुश होता है, वो भी अगर स्माइल पास करता है वो खुश होता है, ये एक ऐसा जादू है स्माइल का, वो दोस्तों सर चढ़ के जो है ना वो आपका ये बोलता है, और इसमें खुशगवार माहौल पैदा होता है, जो तनाव का माहौल होता है मुस्कुराहट से वो जनाब जो है ख़त्म हो जाता है। वैसे भी जब आप जाएँ कभी भी इस टूल को आप फर्स्टली भी यूज़ कर सकते हैं पहले नंबर पर भी ना, क्योंकि जब आप किसी ऐसे जगह आपको स्पीच आपको सेंटर में कहीं रख दिया गया और आपसे पहले वाला जो स्पीकर था वो जनाब बहुत सारा गंद डाल गया है और लोग इरीटेट हैं, तो आपने जाना है तो आपने ऑडियंस को कैसे कंट्रोल करना है, तो फर्स्ट टूल आपने फिर यूज़ करना है, लोगों के ज़ात में दिलचस्पी है, खुद एतमादी है, अंदाजे बयां है, उनको आपने एक दफ़ा पश पश करते हुए सबसे पहले स्माइल, हेलो हाउ आर यू, कैसे स्माइल के साथ आपने जो है हमारे पास राना उमेर यासीन है, राना असलम है, तारिक जफर भाई हैं, वेलकम, खुश आमदीद। तो मुस्कुराहट से बड़े बड़े प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके हल हो जाते हैं, और बाज़ तो आप वो जो वो आपका वो कहते हैं कि जहाँ प्रोग्राम होता है, जहाँ आप स्पीच करने के लिए जा रहे होते हैं, वहाँ पे इतना तलक कलामी तक के नोबत आ चुकी होती है, तो वहाँ पे जो सबसे पहला आपका जो टूल काम देगा ना वो स्माइल है, वो आपको वहाँ पे एनवायरनमेंट कंट्रोल करने में। और बाज़ लोग इसलिए संजीदगी इख्तियार करते हैं कि उनके
लोग ये भी समझते हैं कुछ स्पीच करने वाले कि वो संजीदा रहते हैं, संजीदा अपने अप टू डेट संजीदा बन के बैठते हैं। वो कहते हैं संजीदा रहने से लोग बड़ा बड़ा नजर आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। संजीदगी जरूर रखें, लेकिन हल्के फुल्के मुस्कुराहट के साथ आप संजीदगी जब आप रखेंगे तो वो जो है आपके काम आएगी। अदरवाइज फिर जो है ना संजीदा आप बैठना, संजीदा आप स्टेज पे कहीं हैं, संजीदा बात कर रहे हैं, संजीदा कर रहे हैं, जब आपका अंदाज भी उनके लेवल पे नहीं होगा तो फिर आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम एग्जिस्ट हो जाएंगी, क्योंकि तो सारे का सारा मजमा जो है क्या होगा, सो जाएंगे लोग। जी लोग सो जाते हैं क्योंकि लोगों को आपने लेके चलना होता है। गुड स्पीचर वही होता है, खुद अदमादी के साथ आसान अल्फाज, मुस्कुराहट, जोक्स, पोएट्री और हिस्टोरिकल टॉक, ठीक है। और जिस जगह जा रहे हैं उस जगह की हिस्ट्री का पता, वहाँ के कल्चर, रंग, नस्ल, हर चीज़ का आपको पता होना चाहिए, तो फिर जाके कहीं जाके बात बनती है। अब एक और पॉइंट है इसमें, अगर 4 नंबर पॉइंट्स में आपको लिख लें आप लोग या इसके बाद में सुन लीजिएगा, तो वो है जनाब मज़ा। अपने गुफ्तगू के अंदर जो है आपको मज़ा लाजमी रखना चाहिए, हल्का फुल्का मज़ा, सी मज़ा। अच्छा, एक मज़ा की डेफिनेशन का लोगों को नहीं पता, ठीक है। तंज को लोग मज़ा समझते हैं, कभी भी तंज ना कीजिए। मज़ा वो बात होती है जिसके अंदर इस्लाही पहलू हो, यानी कि कोई भी जॉक्स आप सुना रहे हैं तो उसके उसका जो पर्पज़ है ना, असल में मज़ा कहते हैं कि ऐसी बात जो मुस्कुराहट वगैरह मगर अपने अंदर एक दुख समोए हो, एक जो माशरती बेहिसी या कोई भी सोशल पहलू हो उसके अंदर छुपा हुआ हो, और वो जब आप तन्हाई में उसको सोचें, उस बात को जब तन्हाई में उसको गौर करें तो वो आपको रोने पर मजबूर करते हैं, जब आप सुने तो वो आपको हंसने पर मजबूर करते हैं। इस उस लेवल गुफ्तगू का टॉक का जो लेवल है उसको असल में मजाक कहा जाता है। हमारे यहाँ लोग जो तंज जो होती है ना वो तंज ज्यादा करते हैं। हमारे यहाँ तो आज के जितना भी स्टेज हो रहा है वो सारा के सारा तंज भी हो रहा है, तो मजा नाम की कोई चीज नहीं है। मजा पहले अमान अल्लाह साहब थे, मजा था, तो वो जब से गए हैं एक बहुत बड़ा खला पैदा हुआ। बबू बराल साहब थे, अनवर अली साहब थे, तो हमारे यहाँ स्टेज के जो लोग थे बड़े बड़े नाम थे, तो वो मजा आता है कौन सुनाता था। आज आप देखेंगे तो बस वो चौधरी साहब ही हैं, अदरवाइज तो कोई भी नहीं है मजा करने वाला, सुहेल चौधरी सुहेल साहब, उसके अलावा तो बाकी कोई सीरियस अदाकार ही नहीं। हमारे यहाँ तो बड़ी भरमांग है और यही वजह है, बस लोग भी ऐसे ही हो गए। तो लोग मजाक को पसंद भी करते हैं, जब आप स्पीच करने जाएं या मोटिवेशनल स्पीकर आपने बनना है तो मज़ा इंसान को तफक्करात से छुटकारा दिलाता है। मज़ा से ये फायदा होता है इंसान की एकदम जो परेशानी होती है ना वो दूर होती है। आज के दौर में तो ज़िंदगी है ही बड़ी तेज, जिसको देखो काम ही नहीं है तो फिर भी वो कहते हैं काम ही नहीं है, फिर भी कहते हैं जनाब मेरे पास टाइम भी नहीं, घर में भी पड़े रहते हैं, फारिग बैठे रहते हैं, बुक्स की स्टडी नहीं करते और अच्छी मोटिवेशनल चीज़ें नहीं देखते, तो बस जिंदगी की स्पीड में बस जो भागे जा रहे हैं। मुकाबले की इस दौड़ ने लोगों के जो है असाब जो है वो दिमाग में शैल करके रख दिए हैं, तो लोग सियासी शिकार भी होते हैं, तो लोगों की अपनी परेशानी बड़ी। और आज के दौर में तो आप देख लेंगे जिस कदर महंगाई हुई है हर चीज़ पे, दाल, आटा, चीनी, हर चीज़ आपकी जगह महंगी तो महंगी, आपके विशेष जो है ना वो बढ़ गई। वैसे तो मौला अली का कौल है कि अपने ख्वाहिशात को काबू में रखो, जितनी ज़्यादा ख्वाहिशात होती हैं आप उतने ही खुदा से जो है ना अपने रब से दूर होते जाते हैं, अपने आप से आप दूर होते हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलता अपने बारे में सोचने। तो कोशिश करनी चाहिए कि मजाक का जो है वो अनसर आपको लेके जाएंगे, लेकिन मजाक शायस्ता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि लोग इतनी महंगी टिकट के बावजूद जो है स्टेज ड्रामे की तरफ जोक लोग जोक चले आते थे, आते हैं नहीं चले आते थे, क्योंकि उनको पता था कि वहाँ पे उन्हें अमानुल्लाह जी मिलेंगे, उन्हें पता था कि वहाँ पे उन्हें शकील सदीकी जैसा आर्टिस्ट मिलेगा, उमर शरीफ जैसा आर्टिस्ट मिलेगा, मनोहर गरीब जैसा आर्टिस्ट मिलेगा, लेकिन अब लोग नहीं जाते फैमिलीज के साथ, उसकी वजह यह है कि वो मज़ा भी नहीं है आपको। इसी तरीके से जो अच्छी स्पीच करने वाले हैं तो वो आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो नाम हैं मौलाना आप बड़े बड़े उठा लें उनको आप देखना, तो वो अपनी स्पीच के अंदर मज़ाक कौन सा लाजमी रखते हैं। तो मज़ा आपको लाजमी करना चाहिए लेकिन तंज नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आपको दोस्तों मैं देता चलूँ, वो है नाम की अहमियत। ये बहुत ज़रूरी है,
कभी भी आप स्पीच कर रहे हैं, आप ओए जनाब ये जब करेंगे तो वो आपकी बात इतनी नहीं बनेगी। तो जब भी आप स्पीच करने के लिए जाएं, जो बंदे आपसे प्रोग्राम करवा रहे हैं, आप सबसे पहले कहें मैं जनाब शुक्रगुजार हूँ जनाब इस तनसीम का, जो ये फला 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 काम करती हूँ, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब तारिक जफर साहब का, राना अकबर चौहान साहब का, कि जिन्होंने मुझे जनाबे वाला हडाली की सरजमीन पर जनाब जो है मुझे अपने प्यारे भाइयों से मुलाकात का शर्फ बख्शा। मैं अपने दोस्तों में, अपने भाइयों में, अपनी बरादरी में आके बहुत खुश हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं अपने घर में ही हूँ। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, बाबू भाई जी तस्वीर नहीं आ रही आपकी, कोई बात नहीं, तस्वीर नहीं आ रही मेरी, तो आवाज़ आ रही होगी ना, मैं असल में इसको जल्दी जल्दी जो है ना रिकॉर्ड करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपना अकबर भाई तो लास्ट बात की नाम के में, तो जब भी आप बात करें तो हमेशा आपके अंदर ये फन होना चाहिए, नाम आपको याद होने चाहिए, कि जितने भी आप दोस्तों में बात कर रहे होते हैं तो लोगों के रेफरेंस देने के लिए फ़लाँ नाम फ़लाँ नाम फ़लाँ नाम, वो जहाँ पर भी जाएँ, जिस महफिल में भी जाएँ, जिस ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएँ, तो उनके नाम आपको याद होने चाहिए, उनके नामों के साथ आप मुखातिब करें। ऑडियंस में अगर आपके जानने वाले बैठे हैं तो उनके नामों के साथ आप मुखातिब हों, तो फिर लोग आपकी बात एक घंटा, दो घंटे, तीन घंटे भी सुनने के लिए तैयार होंगे, लोग आपकी बात सुनते रहेंगे। नाम की अहमियत के बारे में शेक्सपियर का मुझे एक बात याद आ गई, शेक्सपियर द ग्रेट हमारे नावल निगार हैं, ड्रामा निगार हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि गुलाब, गुलाब का जो फूल है उसको कोई भी नाम दे दिया जाए तो वो गुलाब गुलाब ही रहता है, मगर हम इंसान हैं, हमें उसी नाम से पुकारा जाए जो हमारी शनाख्त है। जैसे ही आप मसलन आपका नाम सलीम है और आप किसी बाजार से गुजर रहे हैं और किसी ने आवाज़ दी सलीम, तो ला महाला आप रुक के और जनाब पीछे देखते हैं, जब आप देखते हैं तो वो तो आपका जानने वाला नहीं होता, तो वो किसी और सलीम का आवाज़ दे रहा, तो नाम की इतनी बड़ी कोशिश होती है। तो जो कोशिश कीजिए कि जब भी आप स्पीच करें तो ये लास्ट जो पॉइंट है नाम की अहमियत, इसको आप लाजमी अपने साथ रखिएगा। तो याद रखें, दूसरों में दिलचस्पी लें, दूसरों की सिटी, दूसरों के कल्चर में दिलचस्पी लें, खुद एतमादी के साथ बात करें, अंदा आसान अल्फाज में बात करें, और जनाब जो है आप मजाक का पहलू रखें, ठीक है, और नाम की अहमियत को आप कभी भी ना भूलें, और ये बहुत ज़रूरी है, और मुस्कुराहट अपने चेहरे पर रखें। तो दुआ में याद रखिएगा, आज का ये लेक्चर मैंने कोशिश की जल्दी जल्दी कभी वही आपके लिए रिकॉर्ड करने की या यहाँ पे पेश करने, तो थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। आपका अपना रौफ़ अरमान ठाकुर, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।